हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हर शिक्षण संस्थान के परिसर को हरा परिसर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए पहल मेडिकल कॉलेजों से की गई है। उन्होंने हरित हिमाचल, स्वच्छ हिमाचल और स्वस्थ हिमाचल बनाने के इन प्रयासों में सभी से योगदान का आग्रह किया है। हिमाचल प्रदेश राजकीय रेड क्रॉस सोसाइटी की अध्यक्षा डॉक्टर साधना ठाकुर ने लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नीर चौक में पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इसके उपरांत उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर शिक्षा संस्थान के परिसर को हरा परिसर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए पहल मेडिकल कॉलेजों से की गई है। उन्होंने कहा कि हरित हिमाचल, स्वच्छ हिमाचल और स्वस्थ हिमाचल बनने के प्रयास को आगे बढ़ाने में सभी अपना योगदान करें। इस मौके पर उन्होंने कॉलेज परिसर में देवदार का पौधा लगाया। वहीं बल के विधायक इंद्र सिंह गांधी भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने भी अर्जुन का पौधा लगाया। इसके अलावा कार्यक्रम में उपस्थित अन्य मेहमानों व कॉलेज प्रबंधन एवं बच्चों ने परिसर में देवदार, भेड़ा, आंवला और जामुन के लगभग 100 पौधे रोपित किए।